आज भी मैं तुम लोग को एकदम ओपी वाला टिप्स एंड ट्रिक बताऊंगा, जैसे कि ये घर में तुम लोग सप्पर को कैसे यूज कर सकते हो, या फिर ये वाले समुराई गार्डन के घर के छत के ऊपर कैसे आ सकते हो, और भी बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक जानने के लिए वीडियो को इन तक जरूर देखना। ट्रिक मैं तुम लोग को अभी बताता हूँ। फर्स्ट ट्रिक क्या है कि तुम लोगों को पोचिना के पिछले तरफ ये ब्रिज तो दिखा होगा, ठीक है, ये ब्रिज के नीचे तुम लोगों को पानी में आ जाना है, और उसके बाद यहाँ पर बैठ के आ जाना है, ठीक है। बैठ के आके यहाँ पर आओगे तो थोड़ा आगे जाओगे तो स्विमिंग करने लग जाओगे, लेकिन इधर आके बैठोगे तब तुम इजीली यहाँ पर हाइड हो सकते हो, ठीक है। एनिमी तुम्हें नहीं देख पाएगा, लेकिन तुम यहाँ पर हाइड होके एनिमी को इजीली मार सकते हो। और हाँ, यहाँ पर बैठ के तुम रैंक पुश भी इजीली कर सकते हो। देखो यहाँ पर कोई भी स्विमिंग नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पर इजीली बैठ सकता हूँ मैं पानी के अंदर, ठीक है। तुम लोगों को ये ट्रिक अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर से कर देना। अब चलो दूसरा ट्रिक की ओर पढ़ते हैं। दूसरा ट्रिक भी एकदम ओपी वाला है। अब देखो, जब तुम लोग सोलो में बैठते हो तो अपने कैरेक्टर को इजीली घुमा सकते हो, ठीक है, घुमा इधर उधर घुमा सकते हो, लेकिन जब तुम लोग स्क्वाड या डीओ में ग्रुप में बैठते हो तब तुम लोग को कैरेक्टर को थोड़ा भी हिला नहीं सकते। देखो, इमोट कर सकते हो लेकिन हिला नहीं सकते, ठीक है। तुम लोग को क्या करना है कि अपने एडअप पर क्लिक कर लेना है, ठीक है, और उसके बाद कट कर लेना है एडअप को, और उसके बाद तुम लोग कैरेक्टर को इजीली घुमा सकते हो। देखो, इधर उधर घुमा सकते हो। ये ट्रिक का जरूर यूज़ करना। तुम्हारे दोस्त को ये ट्रिक नहीं दिखेगा, लेकिन सिर्फ तुम्हें दिखेगा, ठीक है। ये ट्रिक का यूज़ करके तुम लोग यूट्यूब में शॉर्ट वीडियो भी बना सकते हो, ठीक है। इसके लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, ऐसे ही ट्रिक के लिए। अब चलो नेक्स्ट ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट ट्रिक क्या है कि तुम लोगों को पीक और पोचिना के बीच में ये घर तो देखा होगा, ठीक है। इस घर में तुम लोग कैसे चल सकते हो मैं तुम लोगों को बताता हूँ। तुम लोगों को 3 ग्लूवाल ले लेना है, और उसके बाद कुछ इस तरीके से, जैसे मैं लगा रहा हूँ, कुछ इस तरीके से ग्लूवाल को लगाना, ठीक है। और उसके बाद तुम लोग को क्या करना है कि इस ग्लूवाल के ऊपर चढ़ जाना है एकदम ध्यान से, ठीक है। क्या करना, स्कोप ऑन करके चढ़ जाना है इस ग्लूवाल के ऊपर, ताकि तुम स्कोप ऑन करके चढ़ोगे तो ईजी हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद स्लोली स्लोली करके इस तरह से तुम लोग इस कार के ऊपर जंप करना, एक जोरदार जंप, और उसके बाद तुम लोग इजीली यहाँ पर आ सकते हो, और नीचे वाले बंदे को इजीली मार सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, पीक से कोई इधर से बंदे तुम्हें ना मार दे, ठीक है, इसका ध्यान रखना। और तुम लोग इधर नीचे वाले बंदे को तो इजीली मार सकते हो, और यहाँ बैठ के रैंक पुश करना हो तो वो भी कर सकते हो। चलो अब नेक्स्ट ट्रिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि एकदम ओपी वाला है। तुम लोगों को समुराई गार्डन बर्मा इन्वेस्टर मैप में समुराई गार्डन मैप तो पता होगा, और ये ट्रिक के लिए तुम लोगों को एक ग्लूवाल चाहिए होगा, ठीक है, एक ग्लूवाल में चल जाएगा। और समुराई गार्डन के इस वाले घर में तुम लोग कैसे चल सकते हो वो बताता हूँ मैं तुम लोगों को। यहाँ पर ध्यान से देखो, इस तरीके से ग्लूवाल को ध्यान से लगाना है जैसे मैं लगा रहा हूँ, और उसके बाद तुम लोगों को थोड़ा जंप करके इस पर चढ़ जाना है, और उसके बाद ग्लूवाल के ऊपर भी इजीली चढ़ सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आके तुम लोग ये वाले विंडो पे चढ़ के और इसके छत पर इजीली चढ़ सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे बैठ के एनिमी को तो इजीली तुम मार ही सकते हो, और तुम रैंक पुश भी इजीली कर सकते हो। इसी बात पे एक सब्सक्राइब मार देना, ठीक है। चलो लास्ट ट्रिक में तुम लोगों को बताता हूँ। तुम लोगों को बरूड़ा में हैंगर में ये वाला रेड कलर का हाउस तो बहुत बार देखा होगा, ठीक है। और इस घर में तुम लोग सब बोर्ड का बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते, लेकिन बर्मुडा रिमास्टर मैप बनाते वक्त फ्री फायर वालों का ध्यान किधर था। देखो, बर्मुडा रिमास्टर मैप के हैंगर के इसी रेड हाउस में तुम लोग इजीली सपोर्ट का यूज कर सकते हो। देखो, यहाँ पर मैं इजीली सपोर्ट का यूज कर पा रहा हूँ हैंगर के उसी घर में, दूसरे मैप में बर्मुडा मैप में यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन इस घर में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई भी घर में तुम यूज़ नहीं कर सकते। चलो, अब तुमने इस 5 ट्रिक में कोई भी ट्रिक अच्छा लगा हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर मार देना, ठीक है।